हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका टेक्निकल अंकित में। और मेरा नाम है अंकित और आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि जुलाई में लॉन्च हो चुके हैं और ये सारे स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छे हैं। और गाइस, अगर आप चाह रहे हो एक अच्छा स्मार्टफोन खरीद रहा तो आप इनमें से स्मार्टफोन परचेस कर सकते हो। ये सारे स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं स्पेक्स के मामले में भी और हर चीज़ के मामले में। तो गाइस, वीडियो बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको नंबर वाइज स्मार्टफोन बताऊंगा। तो चलते अपने फर्स्ट स्मार्टफोन की तरफ जो कि आता है नथिंग फोन 2। और गाइस, ये स्मार्टफोन कल ही लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर। बात करें इसके स्पेक्स की तो गाइस, आपको इसमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज पे रन करती है। बात करें इसके प्रोसेसर की तो गाइस, आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। और गाइस, अब बात करते हैं इसके कैमरे की तो गाइस, आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है जो कि OIS के साथ है। बात करें फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है और आपको इसमें 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो गाइस, ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है और ये एक अच्छे प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर। और गाइस, आप इसे परचेस कर सकते हो अगर आप करना चाहो। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ जो कि 7 जुलाई को ही लॉन्च हो चुका है जो कि आता है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। और ये सैमसंग का काफी अच्छा स्मार्टफोन है। आपको इसमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और गाइस, आपको इसमें जाइन OS 1280 देखने को मिलता है जो कि एक नया प्रोसेसर है। और गाइस, अब बात करें इसके कैमरे की, आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का और मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। आपको इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। बात करें फ्रंट कैमरा की तो आपको इसमें फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और गाइस, इसमें 6000 mAh की बैटरी है जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है और ये फोन 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और गाइस, ये भी काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है अपने इंडिया के अंदर। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ जो कि आता है रियलमी नार्जो 65। और गाइस, रियलमी का ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है जो कि 6 जुलाई को लॉन्च हो चुका है अपने इंडिया के अंदर। और गाइस, आपको इसमें 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। और गाइस, आपको इसमें मीडिया टेक डायमेंसिटी 6020 देखने को मिलता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है मीडिया टेक का। बात करें कैमरे की तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा देखने को मिलता है। आपको इसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। पीछे आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। और गाइस, आपको इसमें फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और गाइस, आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और गाइस, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है रियलमी का। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ जो कि आता है ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस। और गाइस, ये 10 तारीख को लॉन्च हुआ है अपने इंडिया के अंदर और आपको इसमें 6.74 इंचेस की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है और आपको इसमें 120 हर्ट्ज देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी बात है इस स्मार्टफोन में। और गाइस, आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का। बात करें इसके कैमरा की तो गाइस, आपको इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल। कैमरा इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और फ्रंट कैमरा आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और गाइस, आपको इसमें बैटरी 4700 mAh की देखने को मिलती है। और गाइस, आपको इसमें 100W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को इस फोन के अंदर। और गाइस, आप इसे परचेस कर सकते हो ईजिली से, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। अब बढ़ते अपने आखिरी स्मार्टफोन की तरफ जो कि आता है गेमर्स के लिए जिसका नाम है IQ New 7 Pro। और गाइस, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है और ये 4 जुलाई को लॉन्च हो चुका है अपने इंडिया के अंदर। और गाइस, आपको इसमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है
जो कि 144 हर्ट्ज पर रन करती है। और गाइस आपको इसमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि गेमर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। और गाइस आपको इसमें पीछे की साइड ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। और गाइस का कैमरा भी काफी ज्यादा अच्छा है और आपको इसमें फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और गाइस बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी बैटरी है गेमर्स के लिए। और आपको इसमें 120 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है, और ये फोन काफी जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। तो गाइस गेमर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। तो गाइस ये थे टॉप 5 स्मार्टफोन जो कि जुलाई में लॉन्च हो चुके हैं, और ये सारे स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छे हैं, इनके स्पेक्स अच्छे हैं और ये हर मामले में काफी ज्यादा अच्छे हैं और आप इन्हें इजीली से परचेस कर पाओगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि वो कौन से स्मार्टफोन है जो जुलाई के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।